तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है यदि संडे बराबर 18, मॉनसून बराबर 21 यानी 21, ईयर बराबर दोस्तों 12 है, तो थर्सडे बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं सॉल्व करना। देखिएगा यहाँ पे संडे बराबर 18 कैसे लिखा है पहले देखेंगे, मॉनसून बराबर 21 कैसे लिखा है, ईयर बराबर 12 कैसे लिखा है, जैसे लिखा है उसी प्रकार से दोस्तों थर्सडे का भी हम नंबर लिखेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पे संडे में आप काउंट करिए टोटल कितने अक्षर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने हैं दोस्तों, 6 हैं, और इसको लिखा क्या है दोस्तों 18 लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अभी आगे चलिए, अभी अगले पे चलेंगे तो और क्लियर होगा। मानसून में काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं दोस्तों, 7 यानी 7 हैं, और इसको लिखा क्या है दोस्तों 21 लिखा है। ईयर को काउंट करिए दोस्तों 1 2 3 4 कितने हैं दोस्तों, 4 है, और लिखा क्या है दोस्तों 12। अब देखिए ये 6 को 18 लिखा है यानी क्या किया है, 3 गुना किया है, 7 को 21 लिखा है क्या किया है, 3 गुना किया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नंबरिंग नहीं करना है आपको, ये नहीं कि 19 नंबर पे आता है आप ऐसे करेंगे, नहीं, यहाँ पे क्या किया है टोटल अक्षरों को काउंट करके 3 गुना किया है। देखिए ईयर में 4 है तो 12 लिखा है, तो इसे भी क्या किया है 3 गुना ही किया है। उसी प्रकार से थर्सडे में काउंट करिए टोटल कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं दोस्तों, 8 है, तो बताइए क्या करेंगे, 8 को भी हम 3 गुना करेंगे यानी 8 को 3 गुना करेंगे, तो 8 का 3 गुना क्या होता है 24 होता है, तो क्या होगा दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क पे 24 होगा। देखिए 24 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।